सत श्री अकाल जी सारयां नूं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है जी। आपने हमारी वीडियो को बड़ा प्यार दिया, सभी का धन्यवाद। और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हमारी जो वीडियो होती है वो आप एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो हम बनाते हैं अपने फॉर्म की और अपनी एग्रीकल्चर की। आज की जो वीडियो है वो बड़ी अच्छी है। मैंने PDFA मेले पे गया था, आप सभी को मालूम है। मैंने वहाँ पर ना कुछ लोग हर एक बंदे को तंबुओं में जाके इनविटेशन देते हुए देखे। वो इनविटेशन था DFA कुरुक्षेत्र हरियाणा से, 7-8-9 तारीख को कुरुक्षेत्र थीम पार्क में एक एग्जीबिशन हो रही है, 3rd DFA डेयरी एंड एग्री एक्सपो। वो पहले 2 साल नहीं हुई कोरोना की वजह से, और अभी वो थीम पार्क कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रही है। तो मैं सबको बेनती करता हूँ कि आप वहाँ पर पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें। हमने PDFA के मेले में देखा जो DFA की टीम थी, हर एक किसान के पास गई जो वहाँ पर पशु लेके आए थे, और उनको बेनती की कि वो हमारे DFA में भी पशु लेके आएं और DFA की टीम का हौसला बढ़ाएं। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि आप भी DFA में जाएं 7-8-9 जनवरी 2022 को, और जो DFA की टीम है उसका हौसला बढ़ाएं। कई लोगों का फ़ोन भी आता है और मैसेज भी आता है कि हम फार्म और एग्रीकल्चर की अच्छी सी अच्छी जानकारी कहाँ से प्राप्त करें। वैसे तो जो हम अपने चैनल के थ्रू आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन जो DFA है या PDFA का मेला होता है वहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं। वो वहाँ से कुछ ना कुछ तजर्बा हर एक बंदे से साझा करते हैं, और वो जानकारी आपको प्राप्त होती है, और वही जानकारी आप अपने फॉर्म पे या अपने एग्रीकल्चर में दे करते हो तो उससे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और एक भाईचारक सांझ बनती है दूसरे लोगों से, दूसरी स्टेट के लोगों से। और अच्छा लगता है जब हम कहीं मेले पे जाते हैं और लोग कहते हैं भी हम पंजाब से हैं, हम हरियाणा से हैं, और हमारी ब्रीड इतनी अच्छी है, हमारी खेतीबाड़ी इतनी अच्छी है, और उनसे हम जानकारी लेते हैं। इसमें मज़ेदार एक और चीज़ है, जो DFA है उसमें देसी गाय और शाहीवाल गाय का भी कंपटीशन है, क्योंकि PDFA में HF और जर्सी होता है, या मोरा बुल और या मोरा मझ और या नीली रावी में होता है। लेकिन इसमें दो और भी कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पर शाहीवाल ब्रीड भी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि शाहीवाल ब्रीड भी अच्छी ब्रीड है, लेकिन उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ जैसे HF पे हुआ है। आप वहाँ पर जाएं और लोगों की जब आप कंपटीशन में लड़ती गाय देखोगे तो आप मोटिवेट होगे, क्योंकि जो हमारे फार्मरों ने जहाँ तक ब्रीड पचा रखी है वो हर एक घर में ऐसी ब्रीड पैदा होनी चाहिए,
वो लोग आपसे देख के कहेंगे कि हम भी ऐसी ब्रीड शायद पैदा कर सकते, तो आपको भी खुशी होगी। जो किसान वहाँ पर आएंगे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी है और मिल्किंग कॉम्पिटिशन भी है वो देखने के लिए, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। हम बेनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं पहले तो DFA टीम को कि उन्होंने इतनी अच्छी एग्जीबिशन रखी। मैं भी एक बार वहाँ पे एग्जीबिशन पे गया था, तो उस टाइम तो मतलब इनकी शुरुआत थी, लेकिन अभी थर्ड है। और जैसी वो मेहनत कर रहे थे वो PDFA मेले में देखे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो इस बार तो जाने का बनता है, क्योंकि उनकी मेहनत की बदौलत ही हम वहाँ पर जाना चाहेंगे। जो किसान भाई डेयरी का काम करते हैं और एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वो प्लीज़ वहाँ पर जाएं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और स्टॉल्स लगेंगे वहाँ पे वो देखें, लोगों के जो कंपटीशन में जानवर आते हैं वो देखें, क्योंकि उससे आप मोटिवेट होंगे और आप भी सोचोगे कि हम भी ऐसी गाय पैदा कर सकें। और अगर जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और आपको दोबारा बता देते हैं जगह 6, 7, 8, 9 तारीख जनवरी थीम पार्क कुरुक्षेत्र 2022। आप जाएं और अपने ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करें। और जो भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि थोड़ी दिनों में हम अच्छी नॉलेज वाली वीडियो बनाने जा रहे हैं। और हमसे जुड़ें और अपने फॉर्म को जैसे हम करते हैं, क्योंकि हमें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और वैसे करें और अपनी गाय को स्वच्छ और अच्छी खुराक के बारे में जानकारी लें। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।